नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से जो आज हमारा चैनल है उसने 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इस छोटे से चैनल में अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड हमारे जो 5K सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट करवा दिए। एंड इसी तरीके से हम अपने अगले माइलस्टोन जो कि 10,000, 50,000, 1,00,000 हैं वो भी काफ़ी जल्दी आप लोगों की मदद से गेन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मतलब एक इंट्रोडक्टरी अपना वीडियो होने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में एंड इस चैनल के बारे में थोड़ा कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली, टाटा टियागो, मैं कौन हूँ एंड मैं कहाँ रहता हूँ, मैं चैनल पर अपने किस तरीके के वीडियो डालता हूँ, आपको क्या कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। अभी तक मैंने इस चैनल पर कोई भी इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो नहीं बनाया था, उसके पीछे कारण ये था भाई कि कोई देखने वाले नहीं था तो क्या बनाते। अब भाई 5,000 लोग हो गए तो 5,000 लोग जो है अपने आप में काफ़ी कहलाते हैं। आप लोगों का एक जो बेसिक सपोर्ट है वो जो अब मिलता रहेगा तो भाई चैनल ग्रो करता रहेगा। सो अगेन एक बार और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड इस पर इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम है सुमित एंड मैं रहता हूँ भाई भोपाल, मध्य प्रदेश में। एंड यहीं पर रहने के साथ साथ मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट करी है। एंड कहीं भी ऊपर से नीचे तक, कहीं भी ना स्कूल से, कहीं भी मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मेरा कभी कोर्स रहा ही नहीं है। वो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो अपना कार या उनमें डेवलप हो गया। एक्चुअली हमारे घर में फर्स्ट टाइम बोलेरो पिकअप एक गाड़ी आई थी, पापा ने ले ली थी एंड उसको मतलब देख के चलाना सीखा मैं, और उसी से इतना क्रेज़ आ गया कि भाई गाड़ियों में बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मुझे लगने लगी। एंड फिर उस समय मतलब कि धीरे धीरे क्या था कि मेरे को मतलब ऐसा लगता था यार कार जो है वो मतलब बहुत मस्त चीज़ है। एंड मैंने जब चैनल बनाया तो मैं उस पर अपनी पिकअप जो थी उसी से रिलेटेड धीरे धीरे वीडियो डालता रहा। एंड फिर मेरा मतलब उस टाइप की वीडियो डालने से इंटरेस्ट उठ गया, फिर मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लग गया एंड फिर उसको कैसे तैसे मतलब एक बेचने का प्लान चला। एंड उसको बेचने के बाद क्या है, इंडिया में किसी के घर में अगर कोई फोर व्हीलर आ जाए तो उसके बाद अगर फोर व्हीलर चली जाए और दूसरी गाड़ी ना आए तो बहुत सुना सुना लगता है। तो हमने प्लान बनाया कि भाई अब इस बार हम लेंगे एक कार। कार में मतलब ऐसा कोई नहीं था कि मैंने कोई बहुत सारी गाड़ियों की लिस्ट बना के रखी हो, चॉइसेस बना के रखी हो। जब बोलेरो पिकअप थी तभी मतलब मैंने जब इस गाड़ी को देखा तो भाई इतनी मस्त लगी, और इसके फीचर वगैरह जब मैंने देखे तो मतलब इसके अलावा मैंने कोई गाड़ी ही ध्यान में नहीं रखी। हाँ मतलब रिसर्च शुरू हुई थी अपनी अल्टो 800 से, फिर अल्टो K10, वेगन आर, दुनियादारी, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, क्विड विड, एंड लास्ट में भाई मेरी जो सुई है वो अपनी टाटा टियागो पर आके अटकी। एंड रिसर्च मैंने गाड़ी लेने के एक साल पहले ही करके रखी थी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई। जैसे ही मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने घर वालों को बताया कि भाई टाटा टियागो करके एक बहुत अच्छी गाड़ी, आप देखो चलाओ सब कुछ। तो उन्होंने देखा एंड ये गाड़ी परचेज़ कर ली। ऐसा ही है भाई, गाड़ी लेने के पीछे इसका जो फीचर है एंड इसकी जो प्राइस एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी। ओवरऑल जो भी इस गाड़ी में आता है, छोटे मोटे नेगेटिव हैं, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड अभी तक एक साल में कोई ख़ास बड़ी दिक्कत मुझे अभी तक टाटा टियागो में फेस करने को नहीं मिली। एंड इन्हीं सब कारणों के कारण मतलब इन्हीं सब कारणों के चलते मैंने टाटा टियागो ली। इसका जो पर्सनली म्यूज़िक सिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, और इसका भाई DJ को फेल करने वाला म्यूज़िक सिस्टम है। ये एक चीज़ मुझे टाटा टियागो की अच्छी लगी। एंड दूसरी चीज़, टाटा टियागो का जो ऑरेंज कलर आता था वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिर जब शोरूम में आगे बात करी यानी ये सफ़ेद कलर की महिमा जब शोरूम वालों से सुनी तो मैंने कहा कि सर ये हटाओ भाई, ये लेंगे वाइट कलर। 2019 में फाइनली हमने ये गाड़ी ले ली। एंड इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ भाई, 5,60,000 के अराउंड, 5,60,000 या 70,000 के अराउंड मुझे ये गाड़ी भोपाल ऑन रोड में पड़ी थी।
सो ये कुछ कहानी है भाई अपनी टाटा टिया को लेने की एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह क्या है। एक्चुअली घर में एक बाइक थी स्प्लेंडर प्लस, उससे पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। एंड उस एक्सीडेंट से क्या थोड़ा तो ऐसा लगा कि भाई जो भी गाड़ी लेंगे बहुत सेफ लेंगे, तो टाटा टियागो सेफ्टी के नाम पर कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। सो एक ये भी बड़ा कारण था टाटा टियागो को ही मुझे, मतलब कि मैंने टाटा टियागो को पसंद किया उसके लिए। सो ये होगी टाटा टियागो की बात। अब एंड इस चैनल की बात अगर मैं करूँ तो इस चैनल पर भाई आपने जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है तो कार्स रिलेटेड प्लस मैं आपको व्लॉग्स वगैरह अपने ट्रेवल या कहीं आना जाना डेली लाइफ से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। हाँ भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी मामले में कार से कार्स को लेकर के, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एंड हमारी यूट्यूब की फैमिली इतनी अच्छी है कि अगर कभी कुछ गलत बता दो एंड कभी कुछ कर दो तो भाई कमेंट में अपने भाई लोग तुरंत बता देते कि भाई आपने ये गलत बोला एंड ये चीज़ गलत है, ये आपने गलत बताई। एंड इससे फ्रिक्वेंटली जो है सीखने को भी मिलता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अभी रिसेंटली अगर कंटिन्यूटी की बात करूँ तो अभी पिछले साल जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था तब मैंने इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस डालना शुरू किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने एक पोज ले लिया था ड्यू टू कुछ बीमारी वगैरह हो गई थी, मैंने उसका अलग पर्सनल व्लॉग बनाया हुआ, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद अभी फिर जनवरी से मैंने कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू किया है, लेकिन अब कंसिस्टेंटली जब वीडियोज़ में डालूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे एंड इस चैनल को भी ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करेंगे। बाकी भाई चैनल बनाने के पीछे अगर मेरा उद्देश्य मैं आपको बताऊं तो यही था कि इंटरेस्ट जागता गया एंड जब भी मैं किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखता था गाड़ियों से रिलेटेड तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ एंड अगर मैं ये नहीं करता यूट्यूब चैनल तो मैं कभी भी यूट्यूब पर दूसरी वीडियो ही नहीं देख सकता, जो कि कभी संभव नहीं था। सो मैंने भी अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया, शुरुआत में भले हेजिटेशन हुई, बेकार वीडियोस बनी, कुछ नहीं, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती है। एंड जनरली मतलब एक माइक ख़रीदा मैंने बोया BY-M1 एंड अपने फ़ोन सैमसंग M31 से ही मैं अपनी सारी वीडियोस शूट करता हूँ। एंड हाँ भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट चैनल अगर आप मतलब कहेंगे कि भाई बड़ा संत महात्मा बन रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, पैसा कमाने की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है एंड यूट्यूब से सब जानते हैं कि भाई अर्निंग्स होती हैं, तो वो भी एक मेरा थोड़ा सा उद्देश्य था यूट्यूब चैनल को अपना खोलने के लिए, तो मिक्सअप आप समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें थी भाई मेरी कुछ टाटा टियागो चैनल एंड मेरे बारे में लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कोई सवाल हो आप मेरे से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड मिलता हूँ जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Oh, oh, oh.